What is up, Yuryu? Welcome back to KSF Academy, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज चैनल पे। और इस पेज पे हम आपको आर्म रेसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फिटनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे जल्दी और सबसे अच्छे वे में देने की कोशिश करते हैं। सो टूडेज टॉपिक इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्म रेसलर, लाइक टॉप 7 आर्म रेसलर्स, इंडियन आर्म रेसलर्स। लाइक हम लोग मोस्टली ना इंटरनेशनल कम्युनिटी, डिवॉन लैरेट, डेनिस एफलिनकॉव, ये सब लोगों की न्यूज लाते हैं, बट कुछ वीडियोस में हम लोग इंडियन कम्युनिटी को भी, इंडियन आर्म रेसलर को भी अपलोड कर रहे हैं, उनके भी टॉपिक्स को, कंटेंट को ले रहे हैं एंड आप तक पहुंचा रहे हैं एक सटल वे में। सो आज मैं टॉप 7 आर्म रेसलर्स अकॉर्डिंग टू मी, एंड लाइक कोई रैंकिंग नहीं है, बस लाइक वो लोग कब से स्टार्ट किए हैं और कौन कितनी कैटेगरी में खेल रहा है उस हिसाब से मैं लेकर आया हूँ। सो टॉप 7 आर्म रेसलर्स, जिसमें से 7th नंबर पे आते हैं आकाश कुमार, AKA रिस्ट हंटर। ये बंदे, ये आर्म रेसलर यूपी से हैं। मैं जब इतना आर्म रेसलिंग का फैन भी नहीं था, मैंने इनके रील्स देखे थे, इनका इंस्टाग्राम पे देखा था एंड दैट वाज सो कूल एट दैट टाइम। तो इन्होंने अभी तक अपना इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है, बट इंडिया में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद में आते हैं अक्सर अली 27 ईयर ओल्ड है, 80 kg के वेट कैटेगरी में खेलते हैं, मल्लापुरम केरला से। इन्होंने 2015 से अपना आर्म रेसलिंग करियर स्टार्ट किया था और 2015 में ही इन्होंने सबसे पहला बैटल खेला था, मल्लापुरम केरला आर्म रेसलिंग कंपटीशन था जो उसमें उन्होंने खेला था। इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे एंड पावरफुल प्लेयर्स को हराया भी है, जैसे कि सचिन गोयल, संजय देसवाल एंड मैनियल। इनका सबसे अच्छा चीज ये होता है कि ये हुक में, टॉप रोल में, फ्लॉप रिस्ट प्रेस में, सब में बहुत अच्छे हैं। सो ये इनका बहुत आगे फ्यूचर मुझे बहुत सही लग रहा है, मे बी ये बहुत ज्यादा नाम कर जाएं। उसके बाद में इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीती थी 2017, 18 एंड 19 में और ये 2 times WAE सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं। उसके बाद में 5th नंबर पे मैं कहूंगा करगवीर को। करगवीर हरियाणा से हैं। इन्होंने 2016 में अपना आर्म रेसलिंग डेब्यू स्टार्ट किया था और 2022 में इन्होंने प्रो पंजा लीग के थ्रू खेला और जीते थे। इन्होंने एक बहुत बड़े आर्म रेसलर सचिन गोयल के अगेंस्ट में भी जीते हैं। उसके बाद में 4th नंबर पे आते हैं जगदीश बारुआ। ये 100 kg कैटेगरी में खेलते हैं, आसाम से हैं। 2011 में इन्होंने अपना पहला डेब्यू आर्म रेसलिंग में दिया था। इन्होंने नेशनल सिल्वर एंड गोल्ड मेडल लाया है, गोल्ड मेडल 2022 में। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था जब कजाकिस्तान में ऑल ओवर लाइक आसाम का बैटल हुआ था, तो इन्होंने उसमें इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है और ये गॉड है किंग्स मूव के लिए। अकॉर्डिंग टू मी इंडिया में बहुत ही अच्छे वे में किंग्स मूव ये प्ले कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एंड बहुत ही क्लीन तरीके से इनको किंग्स मूव यूज करने आता है। उसके बाद में 3rd नंबर पे मैं देना चाहूंगा राहुल पैनिकर को। राहुल पैनिकर ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है केरला से एंड राहुल पैनिकर लाइक मोर देन डिकेड से ये आर्म रेसलिंग में है और इनको बहुत ज्यादा आर्म रेसलिंग कम्युनिटी में रिस्पेक्ट मिलती है। ये केरला से हैं और इन्होंने लैरी विल्स जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर को हराया है। सो राहुल पैनिकर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या जीता था। तो इन्होंने 8 times नेशनल चैंपियनशिप और 10 times स्टेट चैंपियनशिप जीती है और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और जैसे मैंने बताया कि अगेंस्ट लैरी विल ये खेले थे दुबई में और जीते थे उनके अगेंस्ट में, और जब वो जीते थे तो इनका जो रील इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था वो सारी चीजें, दैट वाज सो अमेजिंग, दैट वाज सो मोटिवेटिंग। उसके बाद में 2nd नंबर पे नन अदर देन मजाहिर बाय प्रोफेशन CA हैं केरला से, बट इन्होंने अपनी स्टडीज अब्रॉड से कंप्लीट की है। ये मोस्टली एसोसिएटेड रहे हैं लैरी विल्स से और उसके बाद में इनको KOTT 2021 में इनको चांस मिला था खेलने का। इन्होंने कोच रे के अगेंस्ट में भी बैटल किया है। सो इंडियन बंदे जो
फॉरेनर्स और फॉरेन के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ में खेले हैं उसमें मजाहिर आते हैं। उसके बाद में कर रिसेंट जो बैटल हुआ था रायन बोवेन के अगेंस्ट में, वो भी काफी ज्यादा अच्छा था, देखने लायक था। मजाहिर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ रहे थे रायन बोवेन के अगेंस्ट में, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंड्योरेंस वो मैच नहीं जीत पाए थे। बट द मेन थिंग वॉज कि मजाहिर ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, इंडियन आर्म रेसलिंग कम्युनिटी को, सो दैट वॉज अ ग्रेट थिंग। फिर उसके बाद में नंबर वन नैन अदर देन अब्बास राणा। अब्बास राणा इज आई गेस 16 टू 17 ईयर ओल्ड, एंड मैं पहले बता दूं कि हमने कुछ वीडियो डाला था एंड आई गेस उसमें अब्बास राणा ने हमारे वीडियो देखा एंड उसमें कुछ कमेंट किया था। सो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर आवर चैनल कि इतने बड़े आर्म रेसलर हमारे वीडियोस देख रहे हैं। सो अगर आप अभी भी ये वाला वीडियो देख रहे हैं, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अब बात करते हैं अब्बास राणा के वर्क के बारे में। तो इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2 times गोल्ड लिया था कजाकिस्तान में, और उसके बाद में जितना स्ट्रॉन्ग इनका राइट है उतना ही स्ट्रॉन्ग इनका लेफ्ट है। सो अभी एट दिस यंग एज इतने हाई लेवल पे आना, और डेफिनेटली इनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग जैसे कि रायनो मजीक है, वैसे ही रायनो मजीक एक स्टूडेंट है एंड अलॉन्ग विद दैट वो अपना आर्म रेसलिंग करियर को बहुत ज्यादा अच्छे वे में लेके गए। अभी ईस्ट वर्सेस वेस्ट में भी उनका मैच हुआ था। सो अब्बास राणा भी उसी वे में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं एंड वो एक कैटेगरी पे कैटेगरी बीट करेंगे, दैट्स फॉर श्योर, एंड काफी ज्यादा मोटिवेशन रहेगा इंडियन अपकमिंग बॉडी बिल्डर्स के लिए। तो दिस वेयर टॉप आर्म रेसलर्स अकॉर्डिंग टू मी, एंड अगर ये नाम में से या कोई भी जो आर्म रेसलर्स हैं जो अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, प्रो पंजा लीग से खेल रहे हैं, वो ये वीडियो देख रहे हैं, सो आई वुड लव टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम KSF Academy, बिकॉज आप लोग का कंटेंट बहुत अच्छा है, आप लोग जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत सही है एंड सराहना देने लायक है। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ आप अगर देखे हैं सो जस्ट लाइक कमेंट कर दीजिए, हम तो बैठे रहते हैं आप लोग के कमेंट पढ़ने के लिए। एंड अगर उनके फैन से वीडियो देख रहे हैं, सो मेक श्योर आप उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए, क्योंकि हम जब भी लाइव करते हैं या कोई भी वीडियो डालते हैं तो बहुत लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि इंडियन आर्म रेसलर्स उस लेवल पे क्यों नहीं है, इंडियन आर्म रेसलर्स ईस्ट वर्सेस वेस्ट के लेवल पे क्यों नहीं जा रहे हैं। सो ये वीडियो वही लोग के लिए है कि इंडियन आर्म रेसलर्स भी अब कम नहीं है, दे आर डूइंग ग्रेट, एंड कभी ना कभी जल्द ही वो उस लेवल पर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि इंडिया में भी आर्म रेसलिंग बहुत अच्छा बूम कर रहा है। सो आज का वीडियो मैं इसी बात पे खत्म करूंगा, एंड थैंक यू सो मच अगर आप इतना एंड तक हमारा वीडियो देख रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपना एक पेज बनाया, सो मेक श्योर आप वहां पे भी आके हमको फॉलो करें, हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने के लिए, हमसे बातें करने के लिए। एंड फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो में, कोई नए न्यूज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हो गया करण भाई, ज्यादा चल जाएगा। फूलने तो पूरा नहीं, अब छोड़ दे इनको, ढकेलने दे, छोड़ दे, बोल रहा हूँ तो करण भाई पकड़े भी नहीं। करण भाई अभी और होने दो, अभी छोड़ दो, हाँ अभी छोड़ो, धीरे धीरे ऊपर, हाँ जाने दो ऊपर ऊपर। और जाने दो अभी रुक जाओ, अभी जाएगा, देखना अंदर अंदर कितना धुआं जमा हो चुका है, जाएगा। अब छोड़, आप छोड़ो, ढकेलो ऊपर, हो गया नहीं, ढकेलो एक और बार ढकेलो। अबे किधर जा रहे, गाड़ी चलेगी? अरे नहीं चलेगा, पूरा गैस भर गया, ये आपकी मेहनत है करण भाई। चलो भाई, बलमा बॉय का, चलो नाइस, चलो नाउ।